नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। सत्संग भगदड़ हादसे के बाद हाथरस में हर जगह मातम फैला हुआ है और इस दर्दनाक हादसे में अभी तक 121 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो गई है। जिसने भी इस हादसे के बारे में सुना जाना उनकी आंखें भर आईं। देश के कई राज्यों में सत्संग में पहुंचे लोग ऐसे हादसे का शिकार हो गए जिसके बारे में शायद ही उन्होंने कभी सोचा हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस ने जो FIR दर्ज की है उसमें बाबा का नाम ही शामिल नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हाथरस पहुंचे आज, जहां उन्होंने जान गंवाने वालों के परिवारों से और घायलों से मुलाकात की। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि हाथरस मामले पर सिकंदरा राव SDM ने DM आशीष कुमार को प्राथमिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। तस्वीरें बहुत सारी हैं इस पूरे प्रकरण से जुड़ी हुई, जो हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। सत्संग में भगदड़ किस तरह से मची, उसके बाद मौत का जो तांडव पूरे देश ने देखा, या यूं कहें पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि दुनिया के कई बड़े नेताओं ने हाथरस में घटी इस घटना को लेकर दुख जाहिर किया है। 121 लोगों की जान चली गई। हाथरस के साथ पूरे देश में, प्रदेश में मातम पसरा हुआ है। पीड़ितों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा, जो होगा भी नहीं। दूसरी तरफ आयोजक कमेटी पर FIR दर्ज हुई है, लेकिन सवाल यह उठा कि बाबा का नाम FIR में क्यों नहीं है। इसी के साथ सीएम आज हाथरस पहुंचे दोपहर के समय, घायलों से मिले, पीड़ित परिवारों से मिले। उधर दूसरी तरफ प्राथमिक जांच रिपोर्ट किस तरह से सामने आई SDM की ओर से DM को जो सौंपी गई, उसमें भी कई तरह की अनियमितताओं और लापरवाही को रिपोर्ट किया गया है। इस तरह से देखा जाए यह पूरा प्रकरण कल से जब से सामने आया उसके बाद से एक के बाद एक कई अहम जानकारियां खुलासे हो रहे हैं। दूसरी तरफ मरने वालों का, घायलों का, पीड़ित परिवारों का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। एक दुखद और दर्दनाक घटना अपराह्न में घटित हुई। इस पूरी घटना के तह तक जाने के लिए शासन स्तर पर हम लोगों ने कल भी जो व्यवस्था बनाई थी, लेकिन प्रथम दृष्टि हम लोगों का यह था कि पहले राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इस पूरी जो अभी हादसा है, इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में हाथरस, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, एटा, ललितपुर, शाहजहांपुर, आगरा, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, औरैया, बुलंदशहर, पीलीभीत, संभल और लखीमपुर खीरी, इन 16 जनपदों के भी कुछ श्रद्धालु जन थे जो इस हादसे के शिकार हुए हैं। जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय उमस के, अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। सर, लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है?
देखिए अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना। हाथरस में हुए हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सरकारी हॉस्पिटल हाथरस में मरीजों का हालचाल लेने आए थे। यही वो वार्ड है जहां हाथरस के कांड के बाद जो मरीजों को एडमिट किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ समय पहले यहां पहुंचे थे और मरीजों का हालचाल जाना और हादसे की जानकारी दी। तमाम जो लोग हैं वहां हादसे का शिकार हुए थे, लगातार यहां इन लोगों का इलाज चल रहा है। जो डेड बॉडीज हैं तमाम आसपास के जिले में भेजी गई है जिनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। 121 लोगों की जीवन लीला इस हादसे में समाप्त हुई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया और उसके बाद अधिकारियों के ऊपर जांच बिठाई गई है, जिसके बाद 24 घंटे में जांच पूरी कर अधिकारियों को सौंपना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बाढ़ में लगातार लोगों का आना, भीड़ भरा, तमाम जो भीड़ है, मरीज वहां आए हुए हैं, तमाम लोग वहां आए हुए हैं। किस तरीके से यहाँ लगातार लोग का इलाज चल रहा है। सीएम यहाँ मिलके गए हैं लोगों से और कई लोग कई गंभीर रूप से घायल हैं जो जिनका इलाज यहाँ चल रहा है। कुछ लोग मिसिंग हैं उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। तमाम प्रशासनिक अमला सीएम फिलहाल घटना स्थल पर गए हैं, उसके बाद मीडिया से रूबरू होंगे और घटना की पूरी जानकारी देंगे। इस समय तस्वीरों में आप जिस तरीके से देख सकते हैं लगातार लोगों के जो शुभचिंतक हैं वो आ रहे हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं पहले से फल फ्रूट की व्यवस्था मरीजों के लिए की गई है। योगी जी आए थे, ये फल फ्रूट लोगों को दिए गए हैं, जो घायल हैं उनको फल फ्रूट दिए गए हैं। योगी ने जिन्हें मिलकर लोगों के हाल चाल जाना है। प्रदेश के मुखिया ने हाथरस पहुंचकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें देखा है और जो आगे की जो जाँच है उसके लिए भी अधिकारियों पर पेच कसे जा रहे हैं। 24 घंटे में अधिकारियों को जाँच रिपोर्ट सौंप दी है, उसके बाद इस हादसे की पूरी जानकारी सामने आएगी। ब्रजकिशोर शर्मा, जनता टीवी, हाथरस। और इसी मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं जो इस समय सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बताएं, जनता टीवी को पुराने दस्तावेज मिले हैं इस पूरे प्रकरण से जुड़े हुए। भोले बाबा से जुड़े पुराने दस्तावेज जनता टीवी के हाथ लगे हैं। साकार विश्वहरी उर्फ भोले बाबा का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। सूरजपाल के नाम से पुलिस रजिस्टर्ड में रिकॉर्ड पहले भी दर्ज है। साल 2000 में गिरफ्तारी हो चुकी थी भोले बाबा की पहले भी, यानी भोले बाबा बाबा के ऊपर पहले भी इस तरह के मामले दर्ज हुए हैं। ना सिर्फ मामले दर्ज हुए थे बल्कि गिरफ्तारी भी साल 2000 में हो चुकी थी। साकार विश्वहरी इसी नाम से वो जाना जाता था, पहचाना जाता है। और अब जिस तरह से प्रकरण हुआ है एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। साकार विश्वहरी उर्फ भोले बाबा का पुराना रिकॉर्ड सामने आया है और ये रिकॉर्ड किस तरह का रहा है वो आपको बता दें। आगरा में साल 2000 में गिरफ्तारी साकार विश्वहरी की हुई थी और सूरजपाल के नाम से उस वक्त मामला दर्ज हुआ था। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां सहारनपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से संसद में हिंदुओं पर दिए बयान पर बजरंग दल नेता विकास त्यागी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की शुरू से ही मानसिकता हिंदुओं के प्रति घृणात्मक रही है और राहुल गांधी के इस बयान की घोर निंदा करते हैं। के द्वारा हिंदुओं के प्रति दिए गए संसद के अंदर बयान। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आज अयोध्या पहुंचे और जहां पर उन्होंने अपने संकल्प के तहत करीब 22 महीने के लंबे समय के बाद अपनी पगड़ी उतारी। बता दें कि सम्राट चौधरी ने अयोध्या के सरयू नदी में स्नान किया और पगड़ी रामलला को समर्पित कर दी। भगवान राम के दर्शन के बाद ये जो मैंने मुरेठा बांधा था वो उनके चरणों में समर्पित। भगवान राम का वंशज हूँ, लवकुश समाज से आता हूँ, तो भगवान राम ही हमारे आराध्य हैं, हमारे प्रभु हैं और भगवान राम में आस्था है, इसलिए पूजा यहाँ करूंगा, यही मुरेठा को रखूंगा।
उधर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर वाराणसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने हाथरस में हुई घटना को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हाथरस में हुई घटना बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में जांच रिपोर्ट आ जाएगी और जल्द से जल्द घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं देखिए, बात स्पष्ट ये है कि कोई भी कार्यक्रम अगर किसी को करना होता है तो प्रशासन के पास लोग परमिशन के लिए जाते हैं। जो वहां के स्थानीय आयोजक थे उन्होंने परमिशन लिया, एक निश्चित संख्या का भी जिक्र किया। जिस संख्या का उन्होंने जिक्र किया उसके दृष्टिगत प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की। अब जो प्रशासन को संख्या बताई गई, अचानक उससे कई गुना ज्यादा लोगों को बुला लेना, मैं समझता हूं कि इस दुखद घटना के लिए अगर कोई भी जिम्मेदार है तो वहां के वो स्थानीय लोग जिम्मेदार हैं जो उस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे। जांच के आदेश दिए हैं, घटना की खबर जैसे ही मिली तुरंत माननीय मंत्री लक्ष्मी नारायण, माननीय मंत्री संदीप जी, उत्तर प्रदेश प्रशासन के मुख्य सचिव, डीजीपी सबको तत्काल घटनास्थल पर भेजा गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी घटनास्थल का दौरा किए हैं। 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट को भी प्रशासन ने तलब किया है। रिपोर्ट आने दीजिए। बहुत ही स्पष्टता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि रिपोर्ट के आधार पर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों और ग्रामीणों को बाढ़ और फसल की बर्बादी से बचाने के लिए एक नई पहल की है। जिले में बारिश के मौसम में बाढ़ की आशंका बढ़ जाती है और जिससे आम जनजीवन पर भी असर पड़ता है। इस बार भी कई गांव बाढ़ का कहर जारी है, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने ग्रामीणों को जियो ट्यूब की सुविधा दे रही है। जनपद बहराइच, जहां हर साल बारिश के कहर के चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चार तहसीलों के तकरीबन 6 लाख से अधिक की आबादी और हजारों हेक्टेयर जमीन को बाढ़ की कटान की त्रासदी से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सराहनीय कार्य की पहल की है। दरअसल बाढ़ से पीड़ित गांव में सिंचाई विभाग ने पहली बार तटबंधों को बचाने के लिए गुजरात से जियो ट्यूब मंगवाकर विशेष तकनीक से बांध बनाने में इस्तेमाल किया है। विभाग का मानना है कि कई साल से बाढ़ और कटान के कहर से बर्बाद हो रही भूमि की समस्या से निजात मिल पाएगी। ये जियो ट्यूब जो है, ये इंपोर्ट तो हम लोगों ने गुजरात से किया हुआ है। ये हमारे यहाँ एक कंपनी है जो ठेकेदार, हम लोग टेंडर के थ्रू ये सब वर्क कराते हैं, तो उन्होंने वहाँ से गुजरात से मंगाया है ट्यूब। तो ये चूंकि टाइम हम लोग के पास कम था और ये इसका इलेक्शन का अधिसूचना जारी हो गई थी, इस वजह से हमारे पास टाइम नहीं था। तो इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेने के बाद इसको हम लोगों ने फिर काम शुरू कराया। हमारा ये 28 अप्रैल को काम स्टार्ट हो पाया था, जबकि ये हम लोगों का 3 महीने का काम है और हम लोगों ने वार शूटिंग पे करके इसको 30 जून तक इसको कंप्लीट कर लिया। और इन्होंने जो मटेरियल है उसको हवाई जहाज से लखनऊ मंगाया, लखनऊ से फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके आया। बहराइच की अधिकतर आबादी हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है। जुलाई और अगस्त महीने में आने वाली भयंकर बाढ़ से जनहानि के साथ साथ किसानों की हजारों हेक्टेयर जमीन भी नदी में बर्बाद हो जाती है और यही वजह है कि इस बार जिला अधिकारी मोनिका रानी ने भेजे गए तकनीकी प्रपोजल पर अमल करते हुए प्रशासन को कटान को रोकने के लिए विशेष निर्देश दिए हैं, जिसके तहत गुजरात से तकरीबन 4 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक तरीके से बनाए गए जियो ट्यूब को लेकर बांधों पर इसको लगाया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस तकनीक से बाढ़ पीड़ितों को फायदा मिलेगा।
बहराइच बाढ़ के दृष्टिगत अति संवेदनशील जिलों में आता है और नेपाल में जो बारिश होती है उसका सीधा सीधा प्रभाव जो जनपद बहराइच पर पड़ता है। इसके दृष्टिगत जो मोतीपुर के हमारे मेहीपुरवा तहसील के गांव है, चहलवा, मंगलपुरवा इत्यादि, तो वहां पर हमेशा 8-10 सालों से ये मांग थी कि वहां पे बाढ़ की वजह से काफी नुकसान होता है तो वहां पे कटान रोधी कार्य करवाए जाए। तो इसी के दृष्टिगत जो है सिंचाई विभाग के द्वारा जो प्रथम बार जियो ट्यूब का कटान रोधी जो कार्य स्वीकृत कराया गया, इस परियोजना को स्वीकृत किया गया और उसके उपरांत वहां पर कार्य काफी तेजी से चल रहा है और वहां के जो गांव के लोग हैं वो भी खुश हैं कि पहली बार उनकी 8-7 सालों की मांग थी और वो पूरी हो रही है और जिसके कारण उनकी जो फसल को नुकसान होता था, पशुओं को नुकसान होता था या जनहानि की आशंका होती थी तो उसमें रुकावट होगी। तो ये सिंचाई विभाग के द्वारा जो परियोजना चलाई जा रही है उसकी कड़ी निगरानी भी की जा रही है और इसमें एक तकनीकी टीम का भी गठन किया गया है ताकि कार्य गुणवत्ता पूर्वक हो सके। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी यही दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि जो भी बाढ़ अगर आती है तो किसी भी तरह की जन की धन की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। हमारे जो मोतीपुर तहसील के हैं लगभग 10 गांव सीधे सीधे जो हैं इससे प्रभावित होते थे बाढ़ से और जो कि ये कार्य होगा तो उनको काफी सहूलियत होगी और उधर की जो जन धन की हानि होती थी या पशुओं की हानि होती थी तो उसमें रुकावट होगी। और इसके अलावा 3,000 हेक्टेयर तक की हमारी जो कृषि भूमि है उसमें भी फायदा मिलेगा। घाघरा नदी की त्रासदी से घबराए ग्रामीणों से जब इस बारे में बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था ये तकनीक काफी बेहतर है और उन्हें उम्मीद है कि उनकी जिंदगी बाढ़ से प्रभावित नहीं होगी। इससे ये हम लोगों को परेशानी थी, जो घाघरा का कटान था हम लोगों को खेत घरों का नुकसान होने वाला था, जियो ट्यूब लगने से ये रुक जाएगा हमको लोगों को 100% उम्मीद है। अब बहुत असर पड़ गया सर, बहुत ज्यादा नदी काट के लेके चले आए हैं लेकिन जब से ट्यूब लग गया तब से काटने की उम्मीद नहीं है। पहले बहुत दिक्कत होती थी, जैसे कि जमीन कट गई सब और जो है पानी वानी बहुत काफी पानी आता था लेकिन ट्यूब लगने से जो है पानी कम हो जाएगा, इधर नहीं आएगा। नेपाल के पहाड़ों से आने वाला पानी मेहीपुरवा तहसील के करीब 10 गांव को हर साल डुबोता है जिससे ग्रामीणों के साथ साथ मवेशियों को भी दिक्कतें होती हैं। बाढ़ के सालम में लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। जियो ट्यूब नदी की धार बदलने और मिट्टी का कटाव को रोकने में कारगर साबित होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहराइच से जनता टीवी के लिए दिवाकर पांडे की रिपोर्ट। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का। बुलंदशहर में 2 भाइयों की पिटाई का वीडियो वायरल, पिटाई के दौरान एक भाई की हालत नाजुक, दोनों भाइयों का इलाज जारी। फिरोजाबाद में प्रसूता और 2 मरीजों की मौत, परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा, 100 अस्पताल पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। बहराइच में भारी बारिश को देखते हुए डीएम ने स्कूलों को बंद रखने के दिए आदेश, मौसम विभाग मूसलाधार बारिश होने का लगाया अनुमान। इटावा में मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर जिला प्रशासन ने की कार्रवाई, नगर पालिका ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सिद्धार्थनगर में चोरों के हौसले बुलंद, ग्राहक सेवा केंद्र में लाखों की चोरी को दिया अंजाम, सीसीटीवी में मामला कैद। एटा में हाथरस सत्संग हादसे में अब तक 22 लोगों का हुआ पोस्टमार्टम, बारिश के चलते जिला प्रशासन को रही समस्या। लखनऊ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 1 बदमाश गिरफ्तार, 2 हुए फरार। संत कबीर नगर में एसपी ने चलाई तबादला एक्सप्रेस, 8 थानों प्रभारी निरीक्षक के हुए तबादले। आगरा में 16 युवक की गोली मारकर हत्या, तहरीर के आधार पर जांच के लिए पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी। पीलीभीत में दबंग भूमाफियाओं ने ग्रामीणों की जमीन पर किया कब्जा, ग्रामीणों ने तहसीलदार से लेकर सीएम से भी की शिकायत। हाथरस में हादसे का मामला, सिकंदरा राव एसडीएम ने डीएम को प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी, कार्रवाई जारी। लखनऊ में सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के चैंबर में लगी आगजनी, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी, आग बुझाई गई। लखीमपुर खीरी में अज्ञात कारण के चलते पति ने की पत्नी की हत्या, पत्नी की हत्या के बाद पति ने खुद को भी लगाई फांसी। सहारनपुर में बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जलाया पुतला, संसद में हिंदुओं को हिंसक कहने से नाराज।
फतेहपुर में पुलिस ने मां बेटे की हत्या का खुलासा किया। ई रिक्शा पर कम किराए में सवारी बैठाने को लेकर हुआ था विवाद। जिले के बकेवर थाने के रूसी गांव की घटना। कन्नौज में धारदार हथियार से युवक की निर्मम हत्या। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया अंजाम। महोबा में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। फिरोजाबाद में हाथरस हादसे में मृत महिला का शव। गांव पहुंचने से कोहराम। भगदड़ के दौरान महिला की हुई थी मौत। महोबा में करंट की चपेट में आने से युवक की जान गई। हादसे का वीडियो सामने आया। लखनऊ में छात्रा पर एसिड फेंकने का मामला। नीट की काउंसलिंग के लिए भाई के साथ जा रही थी छात्रा। अलीगढ़ में हाथरस सत्संग हादसे का मामला। मासूम समेत चार महिलाओं की मौत। पूरे गांव में शोक की लहर। सहारनपुर में डीएम और एसएसपी ने कांवड़ यात्रा मार्ग का किया निरीक्षण। सावन की शुरुआत होने से पहले जायजा लिया। सहारनपुर में बारिश के चलते नदी में शाकंभरी नदी खतरे के निशान के ऊपर। श्रद्धालुओं और दुकानदारों ने भागकर बचाई अपनी जान। रायबरेली में अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत। बाराबंकी में मूसलाधार बारिश का कहर। भारी बारिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित। बरेली में बारिश का कहर। भारी बारिश होने के चलते कच्चा बांध पानी में बहा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होंगे। नमस्कार।